36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। जो बैठती थी माँ बाप की पलकों पे, वो खून में कहीं लेटी हुई। मुबारक हो आपके घर बेटी हुई। कोलकाता के आर जीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। इसीलिए आज पूरे भारत भर में उन रेपिस्ट के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं और इस मुहिम में कई बॉलीवुड एक्टर्स भी जुड़ रहे हैं। कई बॉलीवुड एक्टर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इन रेपिस्ट की कड़ी निंदा की है और कुछ लोगों ने तो इन्हें फांसी देने तक की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कोलकाता के आर जीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लगभग 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला। कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी तक वहां की सरकार ने इस पर कोई कड़ा फैसला नहीं लिया। कोलकाता रेप और मर्डर केस में पुलिस पहले दिन से ही इस मामले को दबाने में लगी हुई है। लड़की की डेड बॉडी जिस हालत में मिली थी, उसे देखकर पुलिस में पहले दिन भर्ती हुआ कोई शख्स भी बता देता कि पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई थी। पर कोलकाता पुलिस अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वालों को नोटिस भेजने में व्यस्त रही, जबकि बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद बंगाल सुलग रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा है, बंगाल की जनता सड़कों पर है। लोग उस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर से लेकर पढ़ने वाले बच्चों तक हर कोई उस महिला डॉक्टर के हक की बात कर रहा है। पूरा देश ममता सरकार से भी सवाल पूछ रहा है कि इस डॉक्टर बिटिया को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस घटना में ममता सरकार का भी बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि इस घटना की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि इस पूरी वारदात में कोलकाता पुलिस का भी हाथ है और इस पूरी घटना में 7 लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले में 7 आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ साथ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, इसके अलावा वारदात की रात पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 ट्रेनी डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ किया गया और साथ ही एक वॉलंटियर समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया। आपको बता दें कि पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल से इकट्ठा किए सबूतों में एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला था, जिसके बाद पुलिस ने सभी संदिग्धों के फोन जब्त किए और ब्लूटूथ डिवाइस को सबके फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। तभी संजय रॉय के फोन से अपने आप ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर संजय ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस जांच में उसने रेप और मर्डर के आरोपों को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में जब उसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया तो उसने अपना बयान बदल दिया और खुद को बेकसूर बताया। रेप और हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया। उसने अदालत में कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। आरोपी संजय रॉय ने यूटर्न लेते हुए कहा कि वो खुद पॉलीग्राफ टेस्ट चाहता है, क्योंकि इससे सच्चाई सबके सामने आएगी। संजय रॉय ने कहा कि उसे इस केस में फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, संजय ने जेल के अंदर अपनी जान को खतरा भी बताया है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने पहले कहा था कि संजय रॉय ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया है, लेकिन कोर्ट में आरोपी ने दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि लेडी डॉक्टर के चिल्लाने की वजह से कातिल संजय रॉय ने गला दबाकर उसे मार डाला था। संजय रॉय बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी था, जिसकी वजह से लेडी डॉक्टर ताकत में उससे जीत नहीं पाई और अपना बचाव नहीं कर पाई। अगर संजय रॉय बॉक्सिंग प्लेयर नहीं होता तो शायद जूनियर डॉक्टर उसके चंगुल से अपनी जान बचा पाती। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता कांड का आरोपी संजय रॉय बॉक्सिंग का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और यही वजह रही कि पीड़िता यानी कि ट्रेनी महिला डॉक्टर उसके हाथों से खुद का बचाव करने की जितनी भी कोशिश करती रही, वो खुद का बचाव नहीं कर पाई। जब तक पीड़िता की जान नहीं निकल गई, तब तक दरिंदे संजय रॉय ने उसका गला दबाकर रखा। जब दरिंदा आरोपी संजय रॉय उस लेडी डॉक्टर के साथ इस दरिंदगी की वारदात को अंजाम दे रहा था, तब पीड़िता ने अपने बचाव के लिए आवाज भी लगाई। वो खूब चिल्लाई, मगर उसकी आवाज उस हॉल से बाहर नहीं आ पाई। इसके बाद पीड़िता के चिल्लाने की वजह से संजय रॉय को पकड़े जाने का डर हो गया और यही वजह थी कि उसने रेप के बाद महिला लेडी डॉक्टर को मारने का मन बना लिया।
और उसने अपने हाथों से पूरी ताकत पीड़िता का गला दबाने में लगा दी और तब तक गला दबा कर रखा जब तक कि महिला ट्रेनी डॉक्टर की जान नहीं निकल गई। संजय ने अपना गुनाह कबूला है। दरअसल खुद आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई के सामने इन सभी बातों को कबूला है। आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने ही महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की और रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसने कहा कि महिला डॉक्टर की रेप के बाद इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो लगातार चिल्ला रही थी। लेकिन जब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। सूत्रों के अनुसार संजय रॉय ने लाई डिटेक्टर टेस्ट में कहा कि जब वो सेमिनार हॉल में पहुंचा तो डॉक्टर मृत थी। उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी, वो नशे में था। डॉक्टर की लाश देखने के बाद वो वहां से भाग गया। सीबीआई ने जब उससे कई सबूतों के साथ पूछताछ की तो उसने कई बहाने बनाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने दावा किया कि जब उसने पीड़िता को देखा तो वो पहले ही मर चुकी थी। संजय रॉय ने कहा कि वो डर के मारे हॉल से भाग गया था। कोलकाता पुलिस के अनुसार अपराध के बाद संजय रॉय ने बलात्कार और हत्या करने की बात कबूल की थी। हालांकि टेस्ट में उसने अपना बयान बदल दिया और दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है और वो निर्दोष है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान कहा कि जब वो सेमिनार हॉल पहुंचा तो महिला डॉक्टर पहले ही मर चुकी थी। हालांकि झूठ पकड़ने वाले टेस्ट में कई झूठे और अविश्वसनीय जवाब सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि संजय रॉय लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान घबराया हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट में कही गई बातों को कोर्ट में नहीं माना जाता। कोलकाता के आर जीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय की मां ने उसका बचाव किया है। मीडिया के सामने पहली बार खुलकर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि उनके बेटे को इस मामले में बलि के बकरे की तरह फंसाया जा रहा है, जबकि आरोपी संजय रॉय की सास ने कहा कि इस घिनौने अपराध के लिए उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।